नमस्कार दोस्तों, स्वाद की धूम विद प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बची हुई आइसक्रीम से स्मूथी बनाने की है। कई बार आइसक्रीम में आइस आ जाती है या हमें कुछ अलग फ्लेवर खाने का मन होता है तो हम स्मूथी बना के उस आइसक्रीम को रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए स्मूथी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेरे पास दो फ्लेवर की आइसक्रीम है और इन आइसक्रीम में आप देख रहे होंगे यहाँ पर आइस आ गई है, इसमें भी आइस आ गई है, तो हम इसका रीयूज़ करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे बनाना स्मूदी। इसके लिए मैंने ये वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम ली है और मैं एक ये बनाना लूँगी, ये एक बनाना लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मूदी बनाना। तो हम पहले बनाएंगे वनीला बनाना स्मूदी। यहाँ पर ये मैंने आइसक्रीम लिया है, एक बनाना है वो छिल के तोड़ लिया है। यहाँ पर मैंने 50 ml दूध लिया है और ये मिक्सर लिया है। तो अब हम आइसक्रीम में से 4 स्कूप आइसक्रीम निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ 4 स्कूप मैंने आइसक्रीम ले लिया है। अब इसमें हमने ये जो केला तोड़ के रखा था ये डालेंगे। इसको मैं और थोड़ा तोड़ लेती हूँ, ये डाल देंगे और 50 ml हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डाल के हमें इसे बंद करना है और एक बार इसे हम मिक्सी में चला लेंगे। तो ये 1 से 2 मिनट में अच्छे से हमारी स्मूथी बन गई है, ये देखिए। अब हम इसे ग्लास में डाल देंगे। ये स्मूथी बन गई है, इसे अब हम ग्लास में डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है ना, और आइसक्रीम भी यूज़ हो गई। चलिए अब दूसरी स्मूथी बनाते हैं। तो दोस्तों अब दूसरी स्मूथी बनाते हैं, ये मैं ओरियो स्मूथी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने ओरियो बिस्किट ले लिया है, 50 ml दूध ले लिया है और मेरे पास ये कैरेमल आइसक्रीम थी वो लिया है मैंने। आप चॉकलेट आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, वनीला भी यूज़ कर सकते हैं, बटरस्कॉच भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस करेंगे। तो अब हम इसमें आइसक्रीम डालते हैं। आप चाहें तो आइस भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आइस नहीं डाल रही हूँ। तो सेम ऐसे ही हम ये 4 स्कूप आइसक्रीम लेते हैं। अब इसमें मैं ये 4 ओरियो बिस्किट तोड़ के डाल दूँगी। इस तरह से इसे तोड़ लीजिए और फिर इसमें हम 50 ml के करीब दूध डाल देंगे। मैंने इसमें दूध डाल दिया, इसे हम कवर करेंगे और इसे हम कवर करके मिक्सी में चला लेंगे। तो ये 1 से 2 मिनट हमने इसे चला लिया। तो इसे अब हम ग्लास में डाल देंगे। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। इस पे आप चाहें तो ओरियो से इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये बन गई हमारी ओरियो स्मूदी। अब हम मैंगो स्मूदी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने आइसक्रीम लिया है, मैंगो लिया है, दूध लिया है 50 ml। मैंगो आप फ्रोजन मैंगो भी यूज कर सकते हैं, आइसक्रीम आप सेम वही कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, मैंगो फ्लेवर या वनीला फ्लेवर या बटर स्कॉच। तो अब हम मिक्सी में 4 स्कूप आइसक्रीम डालेंगे। तो ये हमने इसमें डाला आइसक्रीम, इसके साथ हम डालेंगे मैंगो और दूध। तो अब इसमें हम डाल देंगे मैंगो। और फिर इसमें डालेंगे हम दूध। अगर मैंगो खट्टा हो तो आप उसमें शुगर ज़रूर डालिएगा। इसे हम चला देंगे 1 मिनट के लिए। तो ये बन गई मैंगो स्मूदी, अब इसको हम ग्लास में डाल देंगे।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो स्मूदी है ये हमारा एकदम देसी चटपटा वाला स्मूदी है। इसके लिए मैं यहाँ पर पुदीने की फ्रेश पत्तियाँ ली हूँ, काला नमक लिया है मैंने, चाट मसाला लिया है और आइसक्रीम ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं जार में आइसक्रीम डालूंगी, 4 स्कूप। तो यहाँ पे मैंने ये आइसक्रीम डाल लिया है 4 स्कूप और ये 5 पुदीने की पत्तियाँ डालूंगी। 1/4 चम्मच हम ये काला नमक पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और बस इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, इसे चलाएंगे। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें हम दूध नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हमने सॉल्ट डाला है, तो दूध हम नहीं डालेंगे। दोस्तों अगर जब हम ये स्मूदी बनाते हैं और आप जब खोल के देखें, अगर पुदीने के पत्ते नहीं पिसे हैं या बहुत गाढ़ी लग रही है, तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं ये 1/2 नींबू डालूंगी, तो मैंने इसमें ये नींबू डाल लिया, करीबन 1/2 चम्मच के करीब होगा, और इसको एक बार फिर से चला देंगे। तो दोस्तों ये बन गई हमारी पुदीना की स्मूदी। इसमें हम ऐसे पत्ते डाल के हल्का सा कुछ डेकोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इसको टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको नमक या चाट मसाला कम लगे तो आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आप सब भी ये स्मूदी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करिए। अगर आपको ये स्मूदी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।